एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है सुबह की 7 बज रही है और मैं उठ के बेड शीट वगैरह ठीक कर रही थी। और मैं आज मॉर्निंग में ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरी ससुराल जी, सासू माँ, ससुराल फैमिली आ रहे हैं, सब लोग, चाची लोग आ रहे हैं। तो मैं आज सोची चलो आज ब्लॉग बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं और आज कुछ ब्लॉग किया जाए। कुछ स्पेशल थाली कंप्लीट बनाने वाले हैं हम फटाफट। अभी सुबह रही शाद बेड वेड ठीक कर लिए, झाड़ू लग गया, अब हम चलते हैं किचन में। तो मैं आज अभी से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ कि मेरे घर में कौन आने वाला है और मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। सारी चीज़ें आप लोग को इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बस गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद फटाफट कम्प्लीट थाली आज रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी मॉर्निंग से, मॉर्निंग टू इवनिंग। और फटाफट ब्लॉग में बने रहिए। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग डेली रूटीन का पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट काम में लग जाते हैं क्योंकि लेट होगा तो बात सुनेंगे, क्योंकि राजधानी से का टाइम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जा जाता है। कल इवनिंग में उन लोगों का 7 बजे ट्रेन था, यहाँ पे भी 7:30 में वो लोग पहुँच जाएंगे 1 घंटा स्टेशन आने में। तो टाइम हो चुका है उन लोग का आने का, आधा 1 घंटा बच रहा है, तब तक फटाफट सब्जी वगैरह बना लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग्स में बने रहे। तो सुबह सुबह हम गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी का क्या रख लेते हैं, मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ और किचन मेरा रात कहीं साफ था। उसके बाद चने के दाल को धो के और पानी हल्का सुसुम करके उसमें दाल भी बॉयल करने के लिए एक तरफ रख दिए हैं। और इधर तब तक गोभी काट लेते हैं, प्याज और हरी मिर्च जो भी फोरन के सामान है वो, तब तक आलू उधर उबल रहा है तब। तो फटाफट जल्दी जल्दी बनाना है कम्प्लीट थाली, 1 से 1.5 घंटा में ये रेडी करना है आप लोग के साथ। सो यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम है, तेल डाल दिए इसमें सरसों का और गोभी काट के हल्का गोभी को फ्राई कर लेंगे, जैसा कि आलू भी बॉईल कर लिए थे। गोभी भी हल्का कट करके फ्राई करके निकाल लेने से आलू गोभी मटर की सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है। अभी मटर की सीजन है तो मटर भी छिल के इसमें ही गोभी के साथ हल्का फ्राई कर दिए हैं। और यहाँ पर हम अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च और टमाटर काट लिए, धनिया पत्ता। तो अदरक लहसुन को हल्का मिक्सर में कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोभी फ्राई करके निकाल लिए, उसी में हल्का ब्राउन हल्का चिट्टी लगा देंगे आलू में भी। और उसके बाद यहाँ पे तेल मेरा गरम था, उसी में चार थोड़ा सा सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए 4 से 5 लाल मिर्च डाले हैं और बस जीरा सोनापन, एक दालचीनी और एक छोटी इलायची और एक लौंग उसके बाद डाले हैं फ़ौरन में। और उसके बाद अदरक लहसुन कस किया हुआ और इसको हल्का फ्राई करके 1 तेज़पत्ता डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे अब प्याज और हरी मिर्च कटा हुआ। तो ये आलू मटर गोभी की सब्ज़ी ना अभी सीजन में बहुत टेस्टी लगती है अगर अच्छे से बनाओ दम आलू की तरह। तो यहाँ पे हल्का प्याज को ब्राउन होने देंगे धीरे धीरे धीमी आँच में। और उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज का हल्का पेस्ट बना लिए हैं ताकि ग्रेवी, थोड़ा सा सब्जी क्वांटिटी ज़्यादा है और स्पाइसी ग्रेवी अगर अच्छा सब्जी बनाना है तो थोड़ा सा प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दो ना तो और भी अच्छा से टेस्ट आता है। तो इसलिए हम अदरक प्याज और लहसुन कस करके मिक्सर में रख लिए हैं। और उसके बाद अब हम प्याज हल्का ब्राउन होने वाला है तो यहाँ पर अब सारे मसाले निकाल लेंगे, जैसे कि अदरक प्याज और लहसुन का पेस्ट और हरी धनिया धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा गोलकी की पाउडर सारा मिक्स करके एक बार ही फिर से प्याज ब्राउन होने के बाद डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर टमाटर हल्का मसाला फ्राई हो गया है तो टमाटर भी इसी में डाल के फ्राई कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक। और बस जो मसाला फ्राई हो जाने के बाद इसमें गोभी जो फ्राई किया हुआ आलू मिला के, बस हल्का मिला के 1 मिनट के लिए, उसके बाद पानी डाल देंगे।
बस जितना में ग्रेवी स्पाइसी हो जाए उतना ही पानी डाले, ज़्यादा नहीं। और किचन किंग और मसाला और गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च हल्का फ्लेवर अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा, और पूरा मेरा सब्जी लबालब भर गया है कढ़ाई में। बस आलू दम की मटर आलू गोभी की सब्जी रेडी, अब हम चलते हैं। दाल भी मेरा बॉयल हो गया है, बस उसको फ्राई कर लेते हैं और बस फटाफट धनिया पत्ता मार के, ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में सब्जी बन के रेडी। अब हम यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं, फटाफट काम हो रही है, एक सब्जी हो गई, दूसरी सब्जी बनाएंगे। सो गाइज, तो यहाँ पे अब हम चना दाल फ्राई कर लेंगे। चना दाल फ्राई करने के लिए 1 इलायची और 4 लाल मिर्च डाले हैं और हल्का जीरा डाले हैं सरसों तेल में। फ्राई करेंगे इसको और हल्का अदरक लहसुन कट किया हुआ और प्याज हरी मिर्च के साथ चने दाल को फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का छोटे छोटे पीस में काटे हैं, हल्का और हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्का 1-2 बीन्स भी इसमें डाल दिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसके लिए। और हल्का 1-2 गाजर, क्योंकि अभी मिक्स वेजिटेबल सब्जी बना रहे थे उसी में से हल्का इसमें भी लेके डाल दिए, ताकि दाल थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना, लाल हरा। सो इसके लिए अब टेस्ट भी अच्छा आता है वेजिटेबल से। तो बस और उसके उसमें दाल फ्राई में चना दाल में धनिया मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर मसाला प्याज में ही ब्राउन कर लेंगे। और बस स्वाद अनुसार नमक गरम मसाला किचन किंग मसाला और बस चना दाल को डाल के ये दाल भी फ्राई हो गया मेरा साथ साथ। अब हम यहाँ पे अब बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल सब्जी, जिसमें डाले हैं सरसों जीरा और 1 छोटी इलायची और 2 लाल मिर्च। यहाँ पे मेरा तेल गरम था, सरसों तेल में फ्राई कर रहे हैं। सब्जी कट गया, गाजर और बीन्स और अदरक लहसुन कट किया हुआ और प्याज ये गोभी सारे मतलब फ़ौरन होने के बाद प्याज एक साथ ही फ्राई कर दिया और वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मसाला रेडी किए हैं, धनिया पाउडर मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर डाले हैं और टमाटर अलग से मसाला भूंज लिए हैं और उसमें स्वाद अनुसार नमक जो वेजिटेबल हम फ्राई किए थे ना उसको निकाल लिए थे और हल्का मसाला फ्राई करके, क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा सा टेस्ट के लिए अगर मसाला में मिक्स वेज सब्जी में डालो ना तभी जाके टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए फ्राई अलग से कर लिए थे मसाला को। और बस किचन किंग और गरम मसाला डाल के एक साथ सारे वेजिटेबल को मिला के और मसाला को मिला के और कश्मीरी लाल मिर्च को मिला के बस सूखी ड्राई सब्जी भी रेडी है मेरा। अब हम यहाँ पे दाल सब्जी रेडी है, अब हम यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। तो कंप्लीट आज की थाली और मेरे हस्बैंड जी इधर बस वो लोग आ गए, हमने हाथ धोवा के रेडी हो गए, पूजा भी कर लिए और बस अब आने के बाद सब लोग को चाय दे रहे। तो मम्मी पापा चाची और प्रदीप जी हैं, ये हैं और निशु आई थिंक फेस फ्रेश होने गई हैं। सो बस मेरा आज का थाली कंप्लीट रेडी भी हो गया, चटनी भी धनिया का बन गया, बूंदिया वाला रायता भी बना लिए और पूजा पाठ भी हो गया। बस अब वो लोग के स्वागत में खातिरदारी में लगे हुए हैं। सो मिलिए मेरे फैमिली से, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस, तो सुबह की रूटीन में सब लोग खाना पीना खा लिए हैं, अब हो गई है शाम की 7 बजने वाली है। तो मैं शाम की, जैसा कि आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, शाम की ब्लॉग शेयर करेंगे। तो हमने सूट वूट पहन के और स्टॉल बांध के, ठंड तो बढ़ गई है और वो लोग देख रहे हैं मैच और मैं सोच रही हूँ कि चलो शाम का मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, गाजर का हलवा सबके नाश्ता के लिए, तो फटाफट ब्लॉग में बने रहिए। तो मेथी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर भी कर देते हैं स्किप कैसे बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ वो और गाजर के हलवा। तो चलिए फटाफट ब्लॉग में बने रहिए और ससुराल जैसा ब्लॉग शेयर करें आप लोग साथ। सो यहाँ पे पतली वाली कढ़ाई लिए हैं और थोड़ा सा ये वाली कढ़ाई ना ऐसे रह जाता है, तो इसमें सरसों का तेल गरम किए, जीरा डाल दें हल्का और आलू को बस 2 आलू को ही, ज़्यादा नहीं क्योंकि सुबह की सब्जी हल्का बची हुई है। आलू को प्याज इसी में फ्राई कर लेंगे, आलू प्याज और हरी मिर्च के साथ। जीरा को हल्का ज़्यादा नहीं ब्राउन किए, हल्का ही ब्राउन किए
और बस मेथी की सब्ज़ी। आज क्या हुआ ना, मम्मी आई तो साग ले और उसमें हल्का अदरक लहसुन ग्राइंड किया हुआ और जीरा हल्दी का पाउडर मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे आलू के साथ ही। आलू हल्का फ्राई हो जाने के बाद मसाला को फ्राई कर देंगे धनिया मिर्च हल्दी पाउडर के साथ और जीरा गोलकी का पाउडर के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का एक स्पून डालते हैं ताकि टेस्ट अच्छा है। एंड उसके बाद अच्छे से मेथी को काट के धो के और उसी में आलू मसाले के साथ थोड़ा देर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको ढक देंगे तो तुरंत ही 1-2 मिनट में गल जाएगा। तो बस नमक डाल के ढक देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं शाम की चाय जो शाम हो गई है और गाजर यहाँ पे घस करके नीचू दे दिए हैं और बस काजू किशमिश और ड्राई फ्रूट निकाले हैं। यहाँ पे मैं सबको चाय भी दे दी और चाय भी पी ली क्योंकि ठंड में ना चाय के बिना तो मेरा अब यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स थोड़ा सा मिर्च वाली डाल दिए हैं और थोड़ा सा चाट मसाला हल्का सा चाट पाउडर की ताकि टेस्ट अच्छा है और थोड़ा गर्म मसाला आप चाहे तो दे बट नहीं तो स्किप कर दे। और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए आलू भी सीज गई है भूनते भूनते हल्का ढक दिए थे तो पक भी गया था और बस रेडी है इधर सब्ज़ी भी। आप लोग से बात करते करते मेरा शाम का भी सब लोग आए हैं तो मैं डिश पे डिशेस बनाने पापा बोले कि मेथी का सब्ज़ी बनाऊँ। मैं पहली बार मतलब नहीं खाए वो पहली बार ट्राई करूँगी तो देखते हैं वो खा के कैसा कमेंट बताते हैं शेयर करेंगे। इधर आलू सीम की अचार है साग है चटनी है हरी मिर्च फ्राई किया हुआ है। बस अब हम गाजर का हलवा फ्राई करेंगे मतलब थोड़ा घी ज़्यादा मात्रा में रखना है गाजर के हलवा के लिए और सारे ड्राई फ्रूट काजू किशमिश और पिस्ता बादाम 2 इलायची पहले डाल दिए घी गरम करके उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट हल्का डाल के और उसके बाद गाजर घस करके अच्छे से धो के नीशू घस कर दी थी मम्मी और बस इसको अब भूंजेंगे 2 से 3 मिनट तक जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए घी में अच्छे से पक ना जाए भून ना जाए तब तक इसको भूंजेंगे। तब जितना ही ज़्यादा गाजर अच्छे से फ्राई होता है उतना ही ज़्यादा फ्लेवर टेस्ट आता है और एक तरफ हम दूध चढ़ा देंगे गर्म करने के लिए ताकि अच्छे से टेस्ट आए। बस यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो गया था दूध मैं पहले रख दी थी और तो दूध गर्म हो गया तो एक मतलब जितना चाहिए उसमें क्वांटिटी चीनी का 1 केजी गाजर था 1.5 केजी दूध डाले थे तो 150 ग्राम चीनी डाले हैं और उसमें गाजर भुना हुआ जो फ्राई करके रखे थे उसको डेगची में रख दिए इसलिए गाइस क्योंकि दूध के बाद ना डालने के बाद चीनी सारी चीज़ डालने का ड्राई फ्रूट क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाता है कढ़ाई में नहीं हो पाता इसलिए डेगची में ही दूध को अच्छे से बॉईल करके गाढ़ा करके रख लिए थे तो सौंधा करके ताकि और भी अच्छा टेस्ट और देख सकते कितना खूबसूरत। और बस इतना इधर हम आटा गूंथ ले रहे हैं लास्ट। तो ये रहती है ससुराल की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ या ससुराल से लोग आते हैं तो ये हर हाउसवाइफ की ड्यूटी है। कोई गेस्ट आ जाते हैं तो पूरे दिन ऑन रहना रहता है स्विच। और बस मेरी गाजर के हलवा सुखाते सुखाते एकदम रेडी हो गई है दूध भी सूख गया है ड्राई हो गया है और बस अब हम लोग सब लोग फैमिली मेम्बर मिलके एक साथ बैठ के खाएंगे। और ठंड में ना सीजन का मटर गाजर ये सब बहुत मन करता है ठंड में गर्मा गर्म बनाओ और खाओ फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। तो बस हलवा रेडी है तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हो गाजर के हलवा। आपका कहाँ है बेटा? ये अपना स्पेशल कप में लिया। कहाँ है? कैसा बना पापा? कहाँ है? आपके मन लाइक बना कि नहीं पापा? मैच पर पापा का ध्यान चल गया। बोलो बेटा। अच्छा बना था। वेरी गुड। हमने पापा को मैच पर ध्यान चल गया। मेहनत जो किया उसका फल सही। आपका आपका अच्छा लगा जी?
मैच पे ध्यान है सबका ना, अब इससे अच्छा मतलब क्या हो सकता है, मैच चल रहा है उधर, आधा गाधा खाना मिल रहा है। गाइस तो फाइनली खाना पीना हो गया, मम्मी लोग आए, अच्छा लगा हमको भी, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा। आज सुबह से शाम तक ब्लॉग करके सुकून मिल रहा है आप लोगों के साथ में, जो भी एक्टिविटी रोज करती हूँ, और ज़्यादातर आज मैं ज़्यादा की हूँ काम, क्योंकि खाना पीना लोग गेस्ट भी आ गए थे, लोग भी आ गए थे एंड मम्मी पापा आते हैं तो प्रॉपर रूटीन से खाना बनता है। तो अभी मैं भी खाना वाना खा कर आ गई हूँ और मैं सोची चलो आप लोग से थोड़ा बहुत बात भी कर लूँ और वीडियो कर लूँ क्लोज, और फाइनली चेहरा वगैरह धो के आ गई हूँ। ये लोग अभी मैच देख रहे हैं तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लूँ। तो रात को ना मैं फेस धो के फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ, इससे मेरे बेड पे ही रहता है ये क्रीम ओले का मॉइस्चराइज़र, तो मैं अभी इससे अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँ। टोटल इफेक्टिव 7-in-1 नाइट क्रीम, सो ये है नाइट क्रीम मेरा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं फेस धो के आ गई हूँ।